एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लियाना सिंगडम। और कैसे हो आप सब, मैं हूँ लियाना। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है वूलन एलर्जी के बारे में। टॉपिक आप लोगों ने नीचे तो देख लिया होगा, बट मैं आप लोगों को आज बताऊंगी वूलन एलर्जी से आप कैसे बच सकते हो। देखो, सर्दियाँ आ चुकी हैं बहुत ज़्यादा और वार्डरोब में हमारे गर्म कपड़े जो हैं अपनी जगह बना चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो सर्दियाँ आती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी सारे लोगों को सर्दियाँ पसंद है, बट ये सर्दियाँ, ये विंटर सीजन बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। अब मैं बात कर रही हूँ आज वूलन एलर्जी के बारे में। तो ये जो हमारे वूलन एलर्जी होती है, ये गर्म कपड़ों से होती है, स्वेटर्स वगैरह से, ठीक है। तो हम लोग का तो नॉर्मल है कि हम लोग पहन लेते हैं, बट जिन लोगों का सेंसिटिव स्किन होता है उन लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है। और सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। देखो, वूलन एलर्जी सबसे पहले देखो क्या चीज़ है। जब हम लोग देखते हैं सर्दियों में हम लोग पहनते हैं गर्म कपड़े और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, ये सभी को पता है। सभी की स्किन मोस्टली होती है ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, बट किसी किसी की स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है गर्म कपड़े पहन के, इचिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जलन होगी। ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे रैशेज वगैरह भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये हाथों और पैरों में होता है और मोस्टली होता है सीनियर सिटीजन्स के, बच्चों के, लेडीज़ के। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, देखो वुलन कपड़े होती क्यों है एलर्जी, जब हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है वुलन के डायरेक्ट टच में आती है। जैसे देख लो आप खुद ही कि मैंने ये वुलन स्वेटर पहना हुआ है अभी, तो ये वुलन है और इस पे अगर मेरी स्किन पे देखो, नीचे मैंने कुछ भी नहीं पहना है इसके डायरेक्ट, अभी यहाँ मेरे कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट वुलन मेरी स्किन के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट आने से क्या होता है, किसी किसी लोगों को ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से यहाँ पर ईचिंग, जलन और छोटे छोटे दाने और रेडनेस, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया सेंसिटिव स्किन वालों के साथ होता है, बट हो सकता है दूसरी स्किन टाइप वालों के साथ भी हो जाए। तो आप इससे बचने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप कभी भी वुलन को अपनी स्किन के डायरेक्ट टच में मत लो, ठीक है। जैसे मैंने अभी वेयर किया है, इसके नीचे कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे फुल स्लीव्स का आपने स्वेटर पहना है तो आप फुल स्लीव्स का नीचे कॉटन कुछ भी वेयर करो, कोई टी शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, और उसके बाद आप वुलन को डायरेक्ट स्किन के टच में मत लो। उसके ऊपर टच हो जाए तो बेटर है, बिकॉज नीचे आपने कॉटन को पहना हुआ है तो आपको वो पूरे पूरे चांसेस है नहीं होगी। अब देखो, मार्केट में टेबलेट्स है, दवाइयां हैं, बट इसका परमानेंट ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वुलन को डायरेक्ट अपनी स्किन के कॉन्टैक्ट में ना आने दें, पहले आप लोग कॉटन का कुछ भी नीचे वेयर करें, उसके बाद आप वुलन में, ठीक है। तो एक सबसे अच्छा बहुत ईजी सा तरीका है, वैसे भी डायरेक्ट पहनता भी कोई नहीं है, तो आप नीचे कुछ ना कुछ पहनना, उसके बाद इसको वेयर करना। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। सर्दियाँ आ चुकी हैं, मुझे लगा था मुझे ये टॉपिक आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो सेंसिटिव स्किन और ऊपर से ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेट स्किन, रेडनेस, ईचिंग, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर कर देना सबके साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और नई वीडियो लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। और हाँ, अब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो डेली मोशन पे भी, और मेरे चैनल का नाम वहाँ पर भी लियाना किंगडम है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी अपना प्यार दीजिए। और जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टॉल मिल जाए। बाय।